पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलिस कर्मियों को बंधक बनाकर पिटाई करने के मामले में पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। नगला बलबीर गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस की टीम को बंधक बनाकर कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी। 2 सिपाही विक्रांत और प्रवीण को लोगों ने बंधक बना लिया था। सिपाहियों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ नामजद और आधा दर्जन अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। इस मामले में पुलिस ने गृहस्वामी बाबू सिंह, उसकी बेटी गुंजन सिंह और आयुष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया, बाकी फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। ये कल का एक प्रकरण है, थाना पाकवाड़ से संबंधित। नगला बनबीर में कल एक पुलिस की टीम दबिश के लिए गई थी। एक बाबू नाम का व्यक्ति जो पूर्व से अवैध शराब का कारोबार करता है, पूर्व में भी जिस पर कई मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत हैं, और इसके अतिरिक्त तो उसका एक लड़का जिसका एक फ़ोटो वायरल हुआ था, जिसने तमंचे के साथ उसने फ़ोटो खिंचाया था। इसी सूचना पर पुलिस की टीम गई थी, जिसमें 4 पुलिसकर्मी वर्दी में और 2 सादे में पूरी टीम वहाँ पर पहुँची थी। तभी इसके दौरान जो बाबू का लड़का है, उसने पुलिस के टीम के साथ अभद्रता की थी और बंधक बनाने का प्रयास किया था। तत्काल पुलिस की थाने की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने वहां पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक गंभीर धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। जल्द ही शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।